सो गाइस हम लोग खेल रहे सुपर मार्केट सिमुलेटर गेम 3D और ये उसका पार्ट टू। पिछले वाले पार्ट वन के अंदर तो देखा ही होगा हमने जो टोटल प्रॉफिट किया वो तुम लोग देख सकते हो। ऊपर की तरफ देखो भाई, ऊपर की तरफ जहाँ पे स्टोर ओपन लिखा हुआ वो तुम लोग देखो भाई, पैसे कितने तुम्हारे भाई, मेरे पास $1300 लिटरली। मैं हमने शॉप को शुरुआत की थी सिर्फ $200 के अंदर और वो मेरा फर्स्ट पार्ट था। तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैंने कॉमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे रखा है, जाओ जल्दी से आगे देखो। जिन बंदों ने देखा उनको पता ही होगा भाई हमारा स्टोर इतनी ज़्यादा तेज तरीके से ग्रोथ के साथ ही हमें फ्री के अंदर मिला एक कैशियर जो कि तुम लोग देख सकते हो। और साथ ही हमने भाई काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऑर्डर भी हमने दे दिए थे जो कि आ चुके हैं भाई। काफी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे पड़े हुए और हमारी शॉप इतनी गंदी क्यों लग रही है भाई, कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। तो भाई हम लोग फटाफट न्यू डे की शुरुआत करते हैं। तो भाई ये पिछला दिन का जो प्रॉफिट था तुम लोग देख सकते हो, $200 हमने प्रॉफिट किया। तो हम लोग स्टोर को ओपन करते हैं और कैशियर यहाँ पे बुड़ी लाइक हेल्प टू यू वन डे, यस हमें कैशियर चाहिए था। तो गाइस आज हमारा जो पिछले वीडियो के अंदर जो हमें कैशियर मिला था ना, तो भाई मैं तुम लोग बता देता हूँ थोड़े बहुत अगर भाई तुम लोग नए हो तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर। तो भाई कैशियर जो हमें मिला था जो हमें फ्री का मिला था, तो यार भाई वो सारे काम कर रही थी तो यार अभी तुम लोग देख सकते हो कैशियर नहीं है। और अगर मुझे अभी कैशियर चाहिए होगा तो देखते क्या क्या चीज़ है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग बताया था कैशियर के लिए हमें 10 लेवल चाहिए होगा, तो यार 10 लेवल अभी मेरे पास हुए नहीं है, सिर्फ 5 ही लेवल हुए है। तो सारी मैनेजमेंट अभी भाई मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, तो लेट्स गो गाइस खुद ही मैनेजमेंट करते हैं अपनी। और अभी मेरे स्क्रीन के अंदर कोई पॉपअप आया था यार, कैशियर हायर कैशियर के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा यार, ऐड देखना पड़ेगा। तो यार कोई बात नहीं यार, अभी हमें ये सभी चीज़ें खुद ही मैनेज करते हैं। बाकी तो यार कल तो हमारा जो सारा काम था, मतलब पिछले वीडियो के अंदर पार्ट वन के अंदर सारा काम कैशियर ही कर रही थी, जिससे हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया था और मैं शॉप को और भी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रहा था। पर आज भाई मुझे एक भी कैशियर नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरे पास 10 लेवल नहीं है। तो अगर मुझे 10 लेवल चाहिए होगा तो मुझे चाहिए होगा एक भाई यहाँ पे लेवल को मुझे और अप करना पड़ेगा। तो भाई जितने ज़्यादा हम लोग कस्टमर तुम लोग देख सकते हो बना रहे उतनी ही जल्दी हमारा जो लेवल अप है वो हो रहा है। तो भाई चलो देखते हैं यार कितनी देर के अंदर गाइस हम लोग यहाँ पे कम से कम भाई 10 लेवल के अंदर पहुँच पाएंगे। और गाइस सारे बंदे यार नीचे कमेंट कर देना भाई हमें क्या 10 लेवल पहुँचने के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 5वां लेवल तुम लोग देख सकते हो भाई, भाई साहब लिटरली में 5वां लेवल भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो लगभग गाइस 2 कस्टमर अगर हमने और अटेंड कर दिए तो गाइस हमारा 5वां लेवल है वो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गो, एक लास्ट हमारा भाई मेरे को लगता है ये हमारा लास्ट कस्टमर होने वाला है जिसके अंदर हम लोग 5वां लेवल, लेट्स गो। हमारा लेवल अप हो चुका है, लेवल अप होने के साथ ही $1500 हमने कन्वर्ट कर दिए और भाई हमारे पास है सिर्फ तुम लोग देख सकते हो भाई ये 5 अब 6 लेवल चल रहा है। तो ओके गाइस भाई 6 लेवल में हम लोग पहुंच चुके हैं लिटरली में भाई, ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा। और गाइस उसी के साथ ही यहाँ पे तुम लोग तो देख ही सकते हो 6 लेवल भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार अगर हमें कैशियर नहीं मिला तो। भाई तुम लोग देख सकते हो अब हमें सब कुछ अकेले ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सारे प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं अभी, जितने ही प्रोडक्ट है गाइस सिर्फ हम लोग उसको ही भेज देते हैं और कुछ प्रोडक्ट के मैं ऑर्डर भी देना बाकी रह गया भाई मेरे को अभी $10.54। तो भाई जल्दी से जल्दी कुछ पाउडर बाइक प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर में ऑर्डर दे देते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे था प्रोडक्ट लाइसेंस को परचेज करना, तो चलो हमने $200 का कोई लाइसेंस परचेज कर लिया। स्टोर को अभी अपग्रेड नहीं करूँगा, अभी देखते हैं। फ्रिज हम लोग को बोल रहा है बाय करने के लिए, यार मुझे अभी फ्रिज चाहिए नहीं। वाटर बॉटल गाइस यहाँ पे हम लोग फ्लोर बेच सकते हैं, चीज़ बेच सकते हैं और साथ ही साथ कॉफ़ी ये बेच सकते हैं, एग्स बेच सकते हैं, शुगर बेच सकते हैं और टी, ब्लैक टी कुछ ऐसा ही है। तो चलो भाई जितना भी हमें चाहिए होगा वो हमने यहाँ पे वापस से ऑर्डर कर दिया और कुछ चीज़ें मैंने ब्लैक टी ऑर्डर वापस से कर देते हैं। वाटर बॉटल के जितने भी पिछले वो जो पुराने वाले प्रोडक्ट थे तो हमने उन सभी चीज़ों को दोबारा से ऑर्डर कर दिया। तो भाई लिटरली में शॉप के अंदर गाइस भीड़ बढ़ते जा रही है और तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे आइटम नहीं है, पूरा का पूरा सारे शेल्फ खाली है, जो भी शेल्फ थे हमारे सारे के सारे खाली हो चुके हैं। और अभी हमें और भी नए नए सामान चाहिए होगा, तो गाइस जल्दी से जल्दी मैं थोड़ा भाई लीव कर लेता हूँ और भाई प्रोडक्ट को हम लोग फटाफट यहाँ पे साइन कर लेते हैं। भाई वाटर बॉटल यहाँ पे हमें लगाना था तो चलो वाटर बॉटल हमने लगा दिया, उसके बाद ही जल्दी से जल्दी यार कुछ और आइटम लगा लेते हैं जैसे कि पास्ता हो गया। तो गाइस लेट्स गो, तुम्हारे भाई ने अभी यहाँ पे भाई पास्ता भी लगा दिया है जल्दी से जल्दी। भाई यहाँ पे यार तुम लोग देख सकते हो आइटम बिल्कुल नहीं है, सारे कस्टमर सोच के अंदर पड़ चुके हैं भाई क्योंकि हमारे पास आइटम भाई बहुत कमी पड़ रही है। और तो यहाँ पे ऑयली ऑयल का भी पुराना मेरे पास जितना भी स्टॉक था हम लोग फटाफट पुराने स्टॉक को रिफिल कर देते हैं ताकि यार कस्टमर भरे रहे अंदर की तरफ। तुम लोग देख सकते हो लाइन लग चुकी है
भाई काफी तगड़ी लाइन लग चुकी है यार भाई। अभी हमें इन सभी चीजों को मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा यार। अभी भाई कैशियर कास हमारे पास एक कैशियर होता है यार, तुम लोग खुद भी देख सकते हो हमारे पास कैशियर की दिक्कत हो रही है, बाकी कोई बात नहीं है भाई। कैशियर के बिना तो गाइस हम लोग खुद भी सारा काम नहीं कर पा रहे। तो यार अभी हमें तुम लोग देख सकते हो पूरी शॉप को हमें मैनेजमेंट अकेले करनी पड़ रही है। तो क्या लगता है भाई आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग इस शॉप को अकेले संभाल पाएंगे भाई? यार तुम लोग कमेंट कर देना भाई, क्योंकि यार ये एपिसोड भाई पिछले के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा भाई। मूव फर्नीचर हम लोग थोड़ा सा मूव कर देते हैं, जो कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके गाइस प्लेस कर देते हैं फर्नीचर। लाओ यार पैसे दो यार, क्यों हम लोग जल्दी जल्दी लाओ भाई कैश वैस अपना। लाओ एक डॉलर भाई, भीड़ कुछ ज़्यादा लंबी लग चुकी है। लाओ 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 भाई कितने डॉलर, 6.18 डॉलर भाई। जल्दी से जल्दी भाई इन लोगों को यार इतने सारे भाई पैसे देने पड़ रहे हैं ना, 4.36 सेंट्स। गाइस देख सकते हो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदों के पास जो ऊपर जो आइकन आ रहे हैं ना वो प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं भाई, इसीलिए गाइस कस्टमर ज़्यादा भाई वो दुख हो रहे हैं भाई। इन लोगों को भाई बुरा लग रहा है कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट के आइटम्स नहीं है। तो गाइस लेट्स गो, जल्दी से जल्दी जितना भी मेरे पास प्रोडक्ट है वो इन लोगों को दे देते हैं भाई। ऊपर से लाइन तुम लोग देख सकते हो यार भाई, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन बन चुकी है यार। तुम लोग अभी कभी कॉमेंट क्यों नहीं कर रहे गाइस? यार अब हमें क्या करना चाहिए यार शॉप को मैनेजमेंट करने के लिए? तुम लोग देख सकते हो भाई लिटरली में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं भाई। मैं उतनी तेज तरीके से गाइस सभी चीज़ों को मैनेज भी कर रहा हूँ, तुम लोग तो देख पा रहे हो काफ़ी तेज तरीके से गाइस मैं अपना हाथ चला रहा हूँ ताकि यार भाई थोड़ी सी लाइन खत्म हो जाए। लाओ यार बाकी बंदे क्यों रुक गए यार, यहाँ पे बंदे जो खड़े हैं वो रुक क्यों गए? अपने अपने प्रोडक्ट के आइटम लाओ भाई साहब, इतना सारा सामान है। दो लड़के क्यों रुक गए गाइस? 16 डॉलर। लीव करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा फर्नीचर मूव कर लेते हैं भाई, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके गाइस थोड़ा सा इधर रख देते हैं। लाओ भाई प्रोडक्ट दो यार अपना अपना, क्या हो गया यार इन लोगों को भाई, इन लोगों को क्या हो गया यार प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहे? यहाँ में मैं फटाफट प्लेस करके बैठ जाता हूँ। ओके देखते हैं यार इन लोगों को भाई कब तक यार ये प्रोडक्ट देंगे। 6.35 सेंट्स। चलो यार जल्दी से जल्दी यार जल्दी लाओ यार इतने सारे पैसे। हमारा जो भाई डिलीवरी टाइम है लिटरली में बहुत ज़्यादा है। तुम लोग भाई 50 डॉलर नहीं देने भाई, यहाँ पे बैक करो भाई 50 डॉलर देने तो 10, 20, 30, 40, 50। चलो लेट्स गो भाई। लो यार इतने सारे पैसे तुम लोग ला रहे हो यार। कैशियर भाई 6 लेवल भी हमारा लिटरली में अभी के अभी 6 लेवल थोड़ी ही देर के अंदर बस कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोग ये सारे कस्टमर अटेंड कर लेंगे तो। भाई आज का दिन भाई बहुत ज़्यादा ही मेहनती रहा है। तो भाई अगर तुम लोग कमेंट करो यार भाई जल्दी से जल्दी यार कैशियर का समय नेक्स्ट डे के अंदर फ्री का कैशियर मिल जाए, क्योंकि यार कैशियर के बिना भाई काम बहुत ही ज़्यादा ही भाई टफ हो चुका है भाई। यहाँ पे खुद भी तुम लोग देख पा रहे होंगे सब चीज़ें भाई अकेले ही मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। काफ़ी लोगों को देख सकते हो बिल्कुल भी सामान नहीं मिल रहा। 1200 डॉलर है अभी भी हमारे पास। देखते हैं क्या हम लोग 1200 डॉलर के अंदर हम लोग कितना और भी है, 1500 डॉलर तक क्या हम लोग आज कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज का टारगेट गाइस तुम लोग यार नेक्स्ट वीडियो का टारगेट लिख दो कि गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें इतना टारगेट कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कौन भाई हमें यहाँ पे कुछ तो 115 डॉलर फ्री के अंदर मिल चुके हैं। चलो भाई नेक्स्ट भाई डे के अंदर फटाफट हम लोग चलते हैं। और भाई कुल मिला के हमने भाई आज टोटल प्रॉफिट नहीं किया, हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो बस कैशियर आज भी हमें नहीं मिला है भाई। आज भी हमें कोई कैशियर नहीं मिला। बाहर की तरफ तुम लोग आइटम देख सकते हो भाई, 10 लेवल लिटरली में करने के लिए ना यार काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होगी, तो 10 लेवल हो नहीं रहा। बाकी हमारा जो जितना भी प्रोडक्ट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट बिक चुका है। तो यार यहाँ पे फटाफट स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे प्लेस पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे जितना भी मिल के यार कितना ज़्यादा भाई यहाँ पे प्रोडक्ट है यार। अभी हमें यार सब चीज़ें अकेले संभालनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे जो मैं पुराने वाले जो भी आइटम थे ना, पहले मैं पुराने वाले आइटम को ले लेता हूँ, क्योंकि यार इनके जो शेल्फ़ है वो मैंने कंपलसरी कर दिए गए, जो आइटम का जो शेल्फ़ है वही आइटम वहीं पे रहे और वापस से कस्टमर आने लग गए। तुम लोग पता ही होगा एक बार कस्टमर आ जाते हैं ना तो भाई पूरी शॉप के अंदर भीड़ लग जाएगी। तो यार चोकोस भी हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे चोकोस मैंने लगा दिया। और भाई यहाँ पे तुम लोग तो देख ही सकते हो भाई और भी नए नए आइटम आए हुए हैं जिसको मैं इस नए वाले शेल्फ़ के अंदर लगाऊंगा। तो गाइस लेट्स गो, नए आइटम को हम लोग इस नए शेल्फ़ के अंदर लगा चुके हैं। और भाई यहाँ पे हम लोग जो इसका प्राइस है वो मैं रख देता हूँ कम से कम इतना रख देते हैं, 6.20 डॉलर रख दिया भाई, 6.20 सेंट्स, मतलब 6.20 डॉलर मैंने इसका प्राइस सेट कर दिया। और भी नए नए प्रोडक्ट आ गए, तुम लोग देखो शुगर का आ गया और नए बॉक्स आ चुके हैं जो कि मैं इसको बेच देते हैं 5 डॉलर के अंदर।
अभी यार तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा भाई इन लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है। ओके एक्सपेंसिव लग रहा है, कोई बात नहीं यार, बाकी हम लोग प्राइस बाद में सेट करेंगे। भाई इतना टाइम ही कहाँ है यार हमारे पास प्राइस सेट करने के लिए, जो चीजें बिक रही है। और यहाँ पे हम लोग इसको एग को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं, तो भाई एग अभी रेफ्रिजरेटर है नहीं हमारे पास जो हम लोग एग रखे। ऑयली ऑयल आया हुआ है जो कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे रख सकते हैं। तो भाई देख सकते हो पास्ता का जो ऊपर कैन था वो सब के सब खत्म हो चुका है। तो भाई अभी शॉप के अंदर वापिस से लाइन लग चुकी है, जितनी लंबी लाइन लग रही है भाई अभी लगने दो, अभी कुछ भी नहीं कर सकते यार इतने सारे आइटम के लिए। और कुछ और भी नए नए आइटम आए हुए जिसको गाइस यहाँ पे फटाफट मैंने सेट कर दिया। और कुछ और भाई भाई कस्टमर बहुत ज़्यादा ही है अभी हमारी शॉप के अंदर। वाटर बॉटल के कुछ कैन यहाँ पे भी आ चुके, तो वाटर बॉटल लेट्स को तुम्हारे भाई ने यहाँ पे वाटर बॉटल के फटाफट स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल फुल कर दिया है। और बस बाहर के अंदर कुछ ही सामान है सर, आपको वेट करना पड़ेगा यार। ये तो नहीं भाई कभी कस्टमर यहाँ पे वेट करते करते भाग जाए या फिर गुस्सा होने के बाद पैसे कम दे दे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई इन लोगों को। भाई यहीं से मैं भाई शॉप बंद कर देंगे नेक्स्ट टाइम में ना, मैं जैसे कोई नया प्रोडक्ट ऐड ऑर्डर करूंगा तो हम लोग शॉप डायरेक्टली बंद कर देंगे। तो भाई यहाँ पे कॉफी पाउडर भी आ चुका है, तुम लोग देख सकते हो कॉफी पाउडर तक हमने यहाँ पे मंगा लिया है, तो काफी बढ़िया बात है। और ये सारा जो प्रोडक्ट है वो बस कुछ ही देर के अंदर बिक जाएगा, जैसे ही गाइस कस्टमर खाली होंगे ना कुछ ही देर के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर ही भाई फिल होगा। चलो रेफ्रिजरेटर वाला जो भी सारा आइटम है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और कुछ यहाँ पे ये वाले कैन जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी मैंने इस कैन को यहाँ पे फिल कर दिया। तो लेट्स गो, अभी हम लोग टाइम आ चुका है अपने कैश काउंटर के अंदर बैठने का। अभी लाओ भाई फटाफट लाओ सामान, लाओ $10 ये लो पकड़ो, लाओ भाई लाइन थोड़ी फटाफट जल्दी से जल्दी हम लोग खाली करवाते हैं। लो $1 जल्दी से जल्दी भाई नेक्स्ट कस्टमर, लाओ भाई 3.52 सेंट्स जल्दी से जल्दी भाई जल्दी जल्दी भाई लाओ। मैडम जी इतना सोच कर रहे हो भाई, अभी आप लोग तुम लोग देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा कस्टमर लाइन पे खड़े हुए थे, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को भाई बुरा लग रहा होगा भाई। लिटरली मैं नहीं चाहता भाई देखो कस्टमर इतना ज़्यादा वेट करो, भाई ये तो लग रहा है अपना पूरा घर का राशन एक बार के अंदर खरीद के लेके जा रहा है। तो भाई लेट्स गो, यहाँ पे तुम लोग तो देख सकते हो भाई कस्टमर आ तो रहे हैं भाई, पिछले के मुकाबले काफ़ी फास्ट है भाई कस्टमर। वैसे भी हमारे शॉप के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर इधर उधर खड़े हुए थे क्योंकि भाई उन लोगों को सामान मिल नहीं रहा था। और तुम लोग देख सकते हो एक शेल्फ खाली हो चुका है, जो कि भाई लगभग हमारा पास्ता वाला जो शेल्फ है भाई वो लगभग भाई बहुत ज़्यादा ही खाली हो चुका है। पास्ता का गाइस हमें बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी मंगानी पड़ेगी। तो गाइस तुम लोग क्या भाई बताओगे मैं 100 बॉक्स मंगा लूँ क्या पास्ता के? यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, पास्ता हमारा इतनी ज़्यादा जल्दी से बिक रहा है। तो यार अभी मुझे ओके गाइस यहाँ पे 20 सेंट्स देने, तो ये लो भाई 20 सेंट्स। यार कुछ ज़्यादा ही कस्टमर आ रहे हैं यार, अभी देख सकते हो 7 लेवल ही हमारे पास है यार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना यार जैसे ही हमारे पास यार कैशियर एक बारी आ जाए बस किसी तरीके से, उसको यार हम लोग डेली के $100 दे देंगे। पर भाई वो हमें काम करके भी तो देने वाला है, मैं उससे सारा काम करवाऊंगा भाई। लिटरली मैं कैशियर की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कौन सा पढ़ा लिखा बंदा हमारी शॉप के अंदर आ चुका है यार, भाई कैशियर चाहिए भाई अभी फ्री के लिए, हमें कैशियर तो पता नहीं कैसे मिलेगा। ओके $3 दे देते हैं यार इसको, लो यार तुम लोग $3.24 10-20 और ये हो गए 4 सेंट्स, $1500 हमने कंप्लीट कर दिए। तो कुछ ऐसा लग रहा भाई इन सभी सामान को बेचने के बाद भाई कस्टमर तो यहाँ पे भर भर के आ रहे हैं यार। अभी मेरे से भाई अकेले हो नहीं पा रहा, अभी मन कर रहा है मैं फटाफट एक ऐड देख के आऊँ और कैशियर हायर करूँ। क्या लगता है मैं ऐड अभी के अभी देखूँ या फिर नहीं देखूँ यार, अभी के अभी कमेंट करके बताओ। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं, काफ़ी लोगों को ऑयली ऑयल एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे यहीं से भाई दिख रहा है। तुम लोग भी देखो यार ऑयली ऑयल काफ़ी ज़्यादा बंदे बोल रहे हैं एक्सपेंसिव है। बाकी हमारे पास जो एक और जो बॉक्स है उधर वो कम बिक रहा है, वो पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है, वो हम लोग भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम ही मंगाएंगे यार, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा भाई। मैं वो 139 यहाँ पे स्पीड को आई ना सारे पैसे देख सकते हो, $1700 हमने लिटरली में गाइस कमा लिया। और कुछ ही देर के अंदर भाई यहाँ पे $1800 होने वाले, 9.15 सेंट्स। लाओ भाई यहाँ पे जल्दी से जल्दी भाई, इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं ना भाई, इतना भाई गिफ्ट बॉक्स बाहर की तरफ कोई गिफ्ट बॉक्स आया हुआ है जो कि सिर्फ हमें ऐड देखने के लिए मिलेगा, तुम लोगों मैं अभी बताता हूँ। बाकी अभी शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं शाम के, कुछ ही देर के अंदर रात होने वाली होगी और मैं आप मुझे अपना शॉप है वो जल्दी से जल्दी भाई बंद करना पड़ेगा यार अभी, क्योंकि ना नेक्स्ट डे वाला तुम लोग देख सकते हो जितने भी शॉप के बंदे खड़े थे ना तो वो सारा फ्री के अंदर सामान ले गए थे और वो हमें सुबह के टाइम मिले भी नहीं थे। और तुम लोगों ने ये नोटिस किया था क्या भाई? मैंने नोटिस किया था, तुम लोगों को मैं बताना गाइस, मैं सोचना था मुझे बताने का मन कर रहा था, बस सोच रहा था मैं थोड़ा लेट में बताऊँ क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना था। तो भाई उस चीज़ को क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा यार तुम लोग उस चीज़ को। और काफ़ी ज़्यादा भाई अभी 7 बज चुके हैं,
लगभग गाइस 8 बजे रात हो ही जाएगी मुझे कुछ ऐसा लगता है, और शॉप के अंदर बिल्कुल भी आइटम नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट डे के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा और भी आइटम को मंगाना पड़ेगा। तो गाइस तुम लोग तो देख ही सकते हो भाई, यहाँ पे यार लाइक कर दो यार इस वाली वीडियो के अंदर। लाइक का टारगेट गाइस मैं तुम लोग बता देता हूँ 500 लाइक का और 3000 कमेंट का। तो यार आप लोग शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जल्दी से जल्दी हर एक बंदा 5 बंदों के साथ वीडियो को शेयर करो यार जल्दी से, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे वीडियो को शेयर करोगे ना उतनी जल्दी और भी नई वीडियोस आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यार जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करो भाई वीडियो को जल्दी जल्दी भाई। ओके गाइस यहाँ पे यार इसको कितने सेंट चाहिए, तो भाई 91 सेंट चाहिए क्या इसको, 96 दे देते हैं। चलो भाई नेक्स्ट डे हो चुका, अभी तुम लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखाना है कि कल जितने भी लोग खड़े थे ना, तुम लोग पीछे वीडियो करके देख लो एक बारी, जितने भी वीडियो खड़े थे ना जैसे मैंने नेक्स्ट डे के अंदर क्लिक किया वो सारा बंदे फ्री के अंदर सामान लेके चले गए। तुम लोग वो जल्दी से जल्दी ना देखना एक बारी पीछे वीडियो को, वापस से पीछे करो वीडियो को। कम से कम हमने पिछले वाले भाई लेवल अप हो चुका, 8 लेवल हम लोग हो चुके हैं भाई। कल का दिन हमें भी कैशियर नहीं मिलने वाला, हमें अकेले ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखलाने वाला हूँ आखिरकार गाइस हमने, मैं तुम लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ शायद से तुम लोग समझ गए होंगे। और देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लीव कर दिया, ये तुम लोग देख पा रहे होंगे नॉर्मल डे है, एक कस्टमर खड़ा है जो कि मैंने देख सकते हो एक फ्री का जो ये आइटम लिया हुआ है ना, देखना ये फ्री में लेके चल जाएगा। नेक्स्ट डे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आज का जो टोटल तुम लोग प्रॉफिट देख सकते हो हम $652 भाई लिटरली में यार। अभी देखो स्टोर को मैंने ओपन किया, कैशियर आया, देखो वो बंदा फ्री के अंदर सामान लेके जो भाई कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था भाई, बंदे आ रहे थे, बंदे फ्री के अंदर सामान लेके जा रहे थे। तुम लोग समझ चुके होंगे भाई यार कल वाला जो सारा सामान था हमारा भाई फ्री के अंदर, मैंने लिटरली में वो सारा सामान भाई फ्री के अंदर दे दिया है। कोई बात नहीं यार भाई, कभी कभार हमारे से भी गलती हो जाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाले जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे इसके लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो एग तो हम लोग इसके अंदर डाल सकते होंगे भाई, अच्छा एग हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो भाई एग का जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लगभग मैंने एग का प्राइस है वो कंप्लीट कर दिया। और एग और भी है क्या, नहीं एग और नहीं है भाई इसके अंदर। अच्छा एक भाई मुझे पता है कहीं कन्फर्म कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि यार तुम लोग देख सकते हो $2000 हो चुके हैं। यहाँ पे वाटर बोतल के दो दो शेल्फ थे, तो मैं सिर्फ वाटर बोतल को एक ही शेल्फ के अंदर रखूँगा भाई यहाँ पे, और दो दो शेल्फ के अंदर हम लोग वाटर बोतल को नहीं रखने वाले। तो लेट्स गो, सारा सामान हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और इस वाले वीडियो के अंदर तुम लोग देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉफिट किया था। और वापस से आज का डे भी शुरुआत हो चुका है वो विदाउट कैशियर के साथ, जो कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ये तुम लोगों को पता ही होगा भाई, कैशियर के बिना भाई ज़िंदगी भाई अधूरी हो जाती है यार भाई। इतना ज़्यादा काम जो हम लोग है वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा काम हम लोग अकेले कर रहे हैं तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, पैसा हम लोग भाई सारा का सारा पैसा उन लोगों को दे रहे थे। तो भाई अभी मैं कुछ ऐसा करने नहीं वाला, तो भाई यहाँ पे यार दोबारा से हम लोग अपने शॉप को यार स्टार्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई लोगों को मैं 1-2 सेंट ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि यार भाई मैं यार बिना कैशियर के लिटरली में यार 8 लेवल ही, अभी लेवल अप करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। $83 देने हैं, तो भाई ये लो 70 हो गए, 80 हो गए, $3 ये दे देते हैं, और ये 50 दे देते हैं, ये 60 हो गए, और ये हो गए 64। भाई इतने ज़्यादा कस्टमर, इतना शॉप के अंदर आइटम नहीं था भाई, इतने ज़्यादा कस्टमर आ कैसे रहे हैं भाई ये लोग ना यार, सेंट्स वाले हिसाब बड़े गलत कर रहे हैं भाई। बैक करो उसको, मुझे 8 सेंट्स ही देने हैं तो बस भाई। अभी प्रोडक्ट भाई इतने ज़्यादा लोग आ कैसे रहे हमारे शॉप के अंदर, आइटम है नहीं, बंदे इतने ज़्यादा हमें नज़र क्यों आ रहे हैं भाई यहाँ पे यार। इसको जल्दी से जल्दी 37 दो, 46 लेट्स गो, यहाँ पे 46 सेंट देखिए हमारा ये वाला जो कस्टमर ये भी कहता भाई इतने यार प्रोडक्ट है नहीं हमारे शॉप के अंदर, लाइन पे लाइन लगी जा रही है यार। यार तुम लोग बोलो यार लाइन को कम करने के लिए, ये देखो फिर बंदा आ चुका है यार, कुछ है नहीं हमारे शॉप के अंदर, बंदे पता नहीं आइटम कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो यार मुझे भी पता करना पड़ेगा, देखो सामने तो वो ऑरेंज टी शर्ट वाला है, क्या वो भी लाइन के अंदर लगेगा, मुझे भी पता करने दो भाई, मुझे भी इनको भाई सबूत पता करने दो। अभी नहीं लग रही भाई कोई लाइन, मतलब अभी यहाँ शॉप के अंदर आइटम ख़त्म हो चुका है भाई, अभी बिल्कुल ठीक है यार। अभी मुझे कैशियर का पता करने दो, आखिरकार कैशियर का क्या हिसाब किताब है यार। अभी कुछ भी करके ना कैशियर मुझे वापिस चाहिए भाई, कैशियर को लेने के अंदर ना काफ़ी, अभी मैंने लिफ्ट कर दिया फाइनली अपने यहाँ पे इधर से। और ये जो बॉक्स है यार, पहले तो शॉप की साफ सफाई कर लेते हैं फिर मैं बात करता हूँ। देखो आज हमने जो है टोटल 2,343 डॉलर है, और कैशियर के लिए बात है डेली वेज $80 है, और हायरिंग कॉस्ट इसका $100 है। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार है कैशियर का, लेवल 2 कर सकते हैं।
जिसमें लेवल टू में भी कुछ फ़र्क तो मुझे लग नहीं रहा। ओके कंप्लीट चेकआउट 720-700 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही है। बाकी स्टोर के अंदर लाइसेंस और ख़रीद सकते हैं हम लोग, ग्रोथ के अंदर शॉप को बड़ी कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट में फर्नीचर बोल रहे हैं गाइस, फ्रिज और एक्स्ट्रा बाय करें क्या यार? फ्रिज के बाय करने क्या करेंगे? स्पॉटलाइट बाय कर सकते हैं, वैसे अंधेरा होता नहीं है हमारी शॉप के अंदर, स्पॉटलाइट तो है पर भाई मेरे को लग तो नहीं रहा लाइट हम लोग जलाते हैं अभी। अभी बिल विल आता है क्या हमारा? तो यार तुम लोग बताओ यार, बिल विल आता है क्या हमारा? भाई कैशियर के लिए अंदर वो एक मैनुअल, ओके मैनुअल चेकआउट कहते हैं, मैनुअल चेकआउट है। एक है मैन ट्रेड $500 का, ये भी है $500 का, वो भी है। क्या फ़र्क है भाई दोनों के अंदर? दोनों लगभग सेम ही है, कोई बात नहीं है भाई। कैशियर फ्रिज के लिए बाय करने बोला है, क्यों बर्बाद करो भाई $200 भी? बहुत आज फ्री के अंदर कोई पैसा वैसा मिल रहा है क्या? तो यार फ्री के अंदर अभी कुछ पैसा नहीं मिल रहा। और भाई कैशियर का क्या हिसाब किताब, भाई कैशियर तो समझ में नहीं आ रहा। तो भाई आज किस वाले वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और ये क्या सामने की तरफ स्विच भाई, हम लोग यहाँ से अच्छा शॉप की लाइटिंग को ऑन ऑफ कर सकते थे। शॉप की लाइटिंग तो ऑफ करने के बाद अभी तुम लोग देख सकते हो नॉर्मल है, ऑन करने के बाद भी तुम लोग देख सकते हो नॉर्मल है, कोई फ़र्क लगा नहीं भाई। ये लाइटिंग का कोई अलग ही हिसाब है क्या भाई? ये क्या है, मूव कर सकते हैं भाई इसको? यार अपने पास ही लगा लेते हैं इसको, मुझे लग नहीं रहा लाइट आ रही है इसके बाहर से। ओके गाइस ठीक ठाक है मतलब अभी तो। भाई फिलहाल सेकंड एपिसोड के अंदर इतना ही, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया भाई, टोटल हमने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट किया यार आज किस वाली वीडियो के अंदर ही, सारा सामान बेच दिया। ये बंदे इधर क्या आँख लगा के देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या अंधो का भाई यहाँ पे? चलो गाइस आज किस वाली वीडियो के अंदर इतना ही यार। शॉप को थोड़ा सा मैनेजमेंट अभी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फ्रिज हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, बाकी जो फर्नीचर है ना इसको मुझे ना थोड़ा सा यार ये जो है ना यहाँ पे ये जो शेल्फ बोलते हैं ना इसको भाई, शेल्फ बोलेंगे ना। चलो भाई शेल्फ को हम लोग थोड़ा सा इधर रख देते हैं यार इसके पास चिपका के। और ये लेट्स गो, फाइनली यार तुम लोग देख सकते हो शेल्फ बिल्कुल अभी मैंने चिपका के खड़ी कर दी है, जो कि अभी काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। एक साथ मैंने खड़ी कर दी ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी शेल्फ बाय करेंगे, फ्रिज बाय करेंगे और भी चीज़ें बाय करेंगे, पर कैशियर के साथ करेंगे। वैसे जब तक कैशियर नहीं आता तब तक मैं अकेले कुछ भी नहीं करने वाला। मिलते एक और भाई, कैशियर तो बाहर ही खड़ी है, इसके लिए ऐड देखना पड़ेगा भाई मुझे, मिस लियास। ओके थैंक यू गाइस, हम लोग मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक सब्सक्राइब और शेयर।